जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को जीटी रोड स्थित 70 माइलस्टोन और सागर ढाबे के एक एक कर्मचारी सहित 121 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डीसी धर्मेंद्र सिंह ने दोनों ढाबों को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले मुरतल स्थित सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद अब हर ढाबे के कर्मचारियों की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने रविवार को जीटी रोड स्थित सभी ढाबों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ढाबे कर्मचारियों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और अगर कोई संक्रमित मिलता है तो उसका समय रहते इलाज हो सके। रविवार को एसडीएम संभाल का वीरेंद्र हुड्डा ने ढाबों पर कार्य करने वाले स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाए, जिसमें 70 माइलस्टोन व सागर ढाबों का एक एक कर्मचारी संक्रमित मिले। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा 4,729 पर पहुंच चुका है। लगातार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसीलिए जिलावासियों को लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।